है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज। किसी एक व्यक्ति को भूख बहुत सता रही थी और वह सोचता है इस क्षुधा का निवारण किससे किया जाए। निवारण के लिए सोचा, लेकिन वहां पर एक फल लगा था बेल पर, देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा था, इसी को खा लिया जाए। सामने दिखा है, सहज रूप से दिखा है, हम अन्यत्र कहीं गए नहीं थे, उसको अच्छे ढंग से उसने भोदा करके खा लिया। खाते समय उसको कोई भान नहीं हुआ। जैसे जैसे क्षुधा का निवारण हो गया, वैसे वैसे वह अपना असर दिखाने लगा। वह ऐसा असर दिखाने लगा, आधा एक घंटे में उल्टी और दस्त दोनों तरफ से वह चालू हो गए। 10-20 बार उल्टी और 10-20 बार हो जाए तो फिर पैरों में ताकत ही नहीं, बैठने के लिए कमर में ताकत है ही नहीं, लुढ़कने तो वह अपने आप ही लुढ़क गया। बहुत भयंकर वेदना होने लगी, पेट में जलन और प्रारंभ हो गई, आंखें सारे लाल होने लगी। इस दशा को थोड़ी चिल्ला करके किसी से कहा, योग से एक वेद जी वहां से पार हो रहे, इसका क्या उपाय हम हमें बता दो, चिंता न करो, क्या हुआ है? ऐसा ऐसा हुआ, जो आपने खाया था उसी से ठीक होगा। ऊपर उठाएंगे क्या? नहीं, जो खाया था उसी से ये ठीक होगा, इतना ही अंतर है। वह भीतर से खाया था, अब इस बाहर से क्या खाया था, वह एक तुम्बी फल था, जहरदार कड़वी, एकदम कड़ी होती तो वो खा ही नहीं जाता, अच्छे भूख लगी तो खा लिया, अब वह उसको खा रहा है, तुम भी उसको खा रहा, क्या करें? कुछ नहीं करना, तुम भी लिया ले लिया तो तुम भी को सर्वप्रथम जला दो, उसमें थोड़े बहुत कोई तेल मिला दो, फिर उसका थोड़ा सा गरम 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 पेट के ऊपर लेप कर देना। सुन रहे? खाते हो तो दूसरा यही उपाय है, ठीक हो जाएगा। हम बिल्कुल, आप करके तो देख लो, किया तो आधा घंटे में वह पूरा का पूरा वह शोषित कर रहा है, दर्द का जो कारण था उसको वह शोषित कर रहा है। आधा घंटा हुआ ही नहीं, पैर में हल्कापन लगने लगा। हल्का लग रहा है कि नहीं? हाँ, लग रहा है। इसी प्रकार दो दो बार और वह एक दो दिन तक चलते रहे। भीतर केवल ये जो पुड़िया दे देते हैं इसको कर लेना, वो भी शांत हो जाए। ऐसा है, उसने किया दो दो बार,
ला करके उसके ऊपर लेप करता और ये होता है। श्रद्धा था इसलिए ठीक हुआ, विधि थी इसलिए वो ठीक हो गया, प्रयोग था वह यदवा तदवा नहीं वह भी विधिवत था। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों का ही उपयोग हुआ। किंतु विस्मय की बात यह है कि जो भीतर जाता है तो मरणांत पीड़ा होती है और बाहर उसी को लगा लेते हैं दो तुम भी उनका वह असर पूर्ण पेट के ऊपर हुआ, लेकिन पेट के भीतर तो उपवास हुआ। तो उपवास के कारण वह सर जो कुछ भी गर्मी उसको वह खींचता रहा, अच्छे ढंग से खींचता रहा। किंतु यह एक उसमें है, जो जहर था वह जहर भीतर तो मरणांत पीड़ा करता है, बाहर लगा देते अपने पेट के ऊपर, उसी पेट के ऊपर जिसमें जहर चढ़ा, बाहर रहता है अलग असर करता है और भीतर होता है तो अलग असर करता है। इसलिए अपने को बाह्य और अभ्यंतर दो प्रकार से क्या कह रखा है, उपवास आदि 12 तप बताए। बाहरी तप क्या है, भोजन नहीं करना, इतने पर्याप्त में भोजन करने के भाव भी नहीं करना। यदि भोजन करने के भाव रहे और आप उपवास करते आते हैं तो फिर स्वप्न में भी खाते ही रहते, स्वप्न में भी खाते हैं तो वो दोष माना जाता है। इसलिए समय पर आप दिन में खाओ, फिर इत्यादि धो दहा करके बैठ जाओ, निश्चित रूप से आपको आराम मिलेगा। उपवास एक प्रकार से हमारी परीक्षा लेता है कि हमारे इसके ऊपर विश्वास है क्या नहीं। जिसको विश्वास रहता है वह एक प्रकार से उम्मीदन भी कर लेता है तो भी उपवास से भी बढ़कर के उसको फल मिलता है, क्योंकि वह एक प्रकार से वैयावृत्ति के हेतु को लेकर के चल रहा है। उपवास तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो उसको पीड़ा है उसके लिए वैयावृत्ति के लिए समय निकालना पड़ेगा, तो इसलिए यह तो काम नहीं चल पाएगा, थोड़ी बहुत खा लेते। काय के लिए खा रहे हैं, वैयावृत्ति के लिए। वैयावृत्ति किसकी, जो दूसरे व्यक्ति है ना उसके, ये कर लिया अपने लिए कौन से वैयावृत्त हो गए, राग द्वेष छोड़ करके उपवास नहीं, उपवास करना था ये भाव होते हुए भी दूसरे के लिए यदि करते हैं तो परोपकार आय पुण्यम, पर के ऊपर उपकार करते हैं तो पुण्य मिलता है। और यदि मान लो अपने लिए स्वार्थ रखते हैं तो पापम। तो ये शास्त्रों में हमारे भीतरी परिणामों के ऊपर अध्ययन करके केवली भगवान ने पहले ही हमारी आदत वहाँ पर लिख दी है। हमने ऐसे नहीं किया, सर्वज्ञ के सामने बोला मत करो, पक्का है जी के सामने क्या बोल रहे होगा, दोनों गलती करते जा रहे हो। इसलिए जिससे खाया, जिसको खाया है उसी से ये ठीक होगा। खाने का कार्य दोनों में, उसमें त्याग करने रूप में है, लेकिन आगम के अनुसार खाने के लिए भी विधान किया जा रहा। उद्देश्य है
शुगारों को दूर करना, लेकिन उसके रोगों को भी दूर करना। आपकी शुगर तो दूर है ही, इसलिए तो उपवास करने जा रहे थे। तो खा क्यों ले, इसलिए मैं इस उपवास में इस प्रकार वजावत को नहीं कर सकूंगा, उसको भी पुनः सामय करने योग्य बनाना, इसलिए हम तो कर ही लेते हैं। तो इस प्रकार दोनों को शुद्धोपयोग की ओर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए आचार्य कुंदकुंड ये कहते हैं, लंघन करना किंतु अवेशन करना ये भी एक बहुत महत्व है। ईशन का अर्थ होता है इच्छा, अवेशन बिना इच्छा के भी हम करते हैं, करना पड़ता है, यह भी एक आवश्यक है, लेकिन विधिवत करते हैं, तोल तोल करके देते हैं, तो वहाँ अपने आप ही पच करके अपने धर्म ज्ञान में सहायक होता है और दो तीन व्यक्ति वो भी खड़े हो जाते हैं। परोपकाराय पुण्य में से किसी ने पद लिखा, वो सोच करके लिया, पर के लिए उपकार कर रहे, स्व के लिए क्या हो रहा है, पुण्य संचय हो पापापचय, पुण्य संचय, पाप का अपचय होगा और पुण्य का संचय होगा, इसका नाम भी वह विपाक विषय धर्म ध्यान ही माना जाता है। दूसरे के लिए भी आपने सोचा, करुणा के साथ सोचा, कर्तव्य मान करके सोचा, यही मान लो हम होते इस स्थान पर तो क्या होता, महाराज हम होते ही नहीं, इतनी वेदना को कौन सहन करेगा, उतनी तो सहन कर लिया आप लोगों के भरोसे। इस प्रकार घर में ऐसे भी सदस्य होते हैं जो अपने लिए वो कुछ नहीं करते और बाद में सब लोगों को भोजन करने के उपरांत त्यागी तपस्वी तो हो गया, फिर बाद में भोजन करते हुए अंत की तैयारी और कर लेते, अपने स्वयं के लिए नहीं, जो भोजन करके गए ना, काम करके आएंगे तो दिन डूबने से पूर्व उनको तैयार करना है। तो बड़े बड़े घरों में हमेशा हमेशा चूल व जलती ही रहती बताते, तो बड़े बड़े हैं, मानो उसके बीच में बच्चे और आ जाएंगे तो वो उनका अनुभव तो चलता ही रहेगा। हाँ, तो इसीलिए आचार्य ने बहुत सोच समझ करके हमारे भावों के ऊपर अध्ययन करके ये इस परिस्थिति में अपने आप को सुखी भी बना सके, सब प्रकार के वेदनाओं को सहन भी कर सके, किंतु उन्हें एक प्रकाश यह भी दे दे कि वह हमारा अनेशन जो है यह उपवास से कम नहीं है, ऐसा कहा। तो आज भी जो विधिवत संयमा संयम और संयम दोनों पाल रहे हैं, वे चतुर्थ काल में जो करते थे श्रावक अब समन तपस्या और उससे कर्म निर्जरा होती थी, उससे असंख्यात गुणे निर्जरा, वो उत्तम समय वाले भी क्यों न हो, किंतु आज हीन संगण भी क्यों, हीन संगण के साथ भी उपवास अनिशन आदि किया जा सकता है, वहाँ केवल परोपकाराय भी स्व पुण्य संचय, अपने पास ऐसा पुण्य का संचय हो जाता है तो अगले जीवन में चुटकी बजाते, ये ऐसा क्यों कहा जाता, चुटकी बजाते दूसरा काम करते हैं तो चुटकी नहीं बज पाती होगी, हाँ, इसलिए चुटकी बजाने के लिए वो मध्यमा और अंगुष्ठ दोनों की भीतर ऊर्जा आए तो फिर चुटकी
बन जाए, वो चुटकी बन जाते तो किसी को सुनने में आए या ना आए। हाँ, हम जब छोटे थे भैया ये सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं क्या पता, और वो धीरे धीरे चुटकी बज जाती थी, वो अच्छा हमें नहीं लगता, आवाज आना चाहिए, आवाज़ से कोई मतलब नहीं। तो चुटकी का अर्थ ये है, थोड़े में भी, थोड़े श्रम में भी क्या कहते हैं, बड़ा काम हो जाता चुटकी बजाते बजाते, ये इसका अर्थ है, नहीं समझे। इसी प्रकार आप लोग पंचम काल कहो करके आलस न करिए, ये पंचम काल पंचों का भी उद्धार कर देगा और प्रपंच का भी समाप्त कर देगा। प्रपंच का अर्थ होता है संसार, और पंच तो संसार में कोई उलझना नहीं, इसलिए इनको मारे प्रशस्त करते हैं। हमारे पंच पुण्यष्ठी हुई, हमारे पंचायत हैं, उनको अच्छे ढंग से रखो, आराधना के सूत्र में पूर्ण करके कल्याण हो जाएगा। विश्वास का भी खेल है, सौदा करते हैं तो उसमें घाटा भी लग सकता है, कैसे घाटा लगता हम देखना है, ऐसे करते तो आगे बढ़ जाता है। अहिंसा परमो धर्मः।